बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। पुराने वक्तों की बात है कि एक छोटे से मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ही इश्क परस्त इंसान था। इस बादशाह की एक खूबसूरत और हसीन व जमील बेटी थी। मलका बादशाह सलामत इश्क परस्ती से बहुत रोकती थी, लेकिन बादशाह सलामत किसी के एक नहीं सुनता था। इस इश्क परस्त बादशाह ने अपने मुल्क में एक कानून बनाया था कि जो भी खूबसूरत लड़की जना करते हुए पकड़ी जाती तो जिना करने वाले लड़के को संसार कर दिया जाता। जबकि लड़की के साथ बादशाह सलामत सारी रात जना करने के बाद सुबह उसको पूरे गांव में नंगा घुमाता। इस बादशाह सलामत से तमाम रियाया बहुत खौफ खाती कि गलती इंसान से होती है और गुनाह भी इंसान से होता है, लेकिन उसकी सजा भी हमें इस्लाम के मुताबिक देनी चाहिए, ना कि उस लड़की को नंगा करके पूरे गाँव में घुमाया जाना चाहिए और उसकी इज्जत को तार तार किया जाए। बादशाह सलामत हर वक्त इस तक में रहता था कि कोई लड़की जना करते हुए पकड़ी जाए और मैं उससे जना करके उसको पूरे गांव में नंगा घुमाऊं। ये सब कुछ देखकर बादशाह का एक वजीर बहुत तंग आ गया था और वो हर वक्त बादशाह सलामत को नेक मशवरा देता, लेकिन बादशाह सलामत एक भी ना सुनता था। एक दफा वो इश्परस्त बादशाह एक गांव से गुजरा तो उसे एक बुजुर्ग की बेटी बहुत पसंद आ गई और उस पर पहले ही नजर में फिदा हो गया। इस इश्परस्त बादशाह ने सोचा कि इस लड़की के साथ कैसे जना किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह सलामत ने अपने महल के एक सिपाही को एक मंसूबे के तख्त भेजा और कहा, गांव की एक खूबसूरत लड़की को उठाकर एक घर में ले जाओ और तुम उसके साथ जिना करना और उधर से मेरे सिपाही तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैं दिखावे के लिए तुम्हें थोड़ी सजा देकर अपने मुल्क से इनाम व इकराम देकर रुख्सत कर दूंगा और उस लड़की से अपनी जिना करने की ख्वाहिश पूरी कर लूंगा। वो सिपाही महल से निकल पड़ा और उसकी बेटी को रात को अगवा करके एक घर में ले गया और उसके साथ जिना करने लगा। वो जिना कर रहा था कि बादशाह के सिपाही पहुंच गए और उन्होंने पकड़कर उस लड़की को बादशाह सलामत के सामने पेश किया। बादशाह सलामत मामूल के मुताबिक सारी रात उस लड़की से जिना करता रहा और फिर उसको नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। वो बुजुर्ग और उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। ये सब कुछ देखकर वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने इस बादशाह सलामत को सबक सिखाने का ठान लिया। चंद दिन सोचने के बाद वजीर बादशाह सलामत की बेटी को अगवा करके उस घर में ले गया और उसके साथ जिना करना शुरू कर दिया। जब बादशाह के सिपाहियों ने बादशाह को खबर दी कि बादशाह सलामत शहजादी आपके वजीर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई, जैसे ही बादशाह ने सुना कि मेरी बेटी वजीर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई, तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो अब अपना कानून अपनी बेटी पर लागू ना करता तो रियाया उससे बदजन हो जाती और उसकी सल्तनत खतरे में पड़ जाती। ये सोचकर बादशाह सलामत बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूंगा। इन्हीं सोचों में गुम था कि उसके सिपाही वजीर को पकड़कर और शहजादी को लेकर महल में हाजिर हुए। जैसे ही वजीर महल में दाखिल हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि तुम मुझे संसार कर दो और अपनी बेटी के साथ सारी रात जिना करो और उसके बाद इसको सुबह गांव में नंगा घुमा दो, क्योंकि तुम्हारा कानून सबके लिए बराबर है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें अपनी सल्तनत को खोना पड़ेगा। ये सब सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी थी जबकि दूसरी तरफ उसकी सल्तनत। जब ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई तो तमाम रियाया महल में जमा हो गई। बादशाह सोच रहा था कि अपनी बेटी को बचाओ या अपनी सल्तनत को, लेकिन इस बदबख्त बादशाह ने अपनी सल्तनत को तरजीह दी और अपनी बेटी के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया। मामूल के मुताबिक शहजादी को तैयार किया गया और जैसे ही बदबख्त बादशाह कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो बादशाह की बेटी उसके सामने नंगी मौजूद थी। बादशाह सलामत के दिल की धड़कन तेज हो गई
और उसकी सांसें रोकने लगे। अब जैसे ही अपनी बेटी के करीब जा रहा था तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अब बादशाह को मालूम हो गया कि मेरा ही कानून मुझ पर बारी पड़ गया है। अगर मैं मजबूर वालिदैन की बेटियों पर ये कानून लागू ना करता तो शायद आज ये सब कुछ मेरे साथ ना होता। अब उसके पैर कांप रहे थे और वो सोच रहा था कि अगर मैंने अपनी बेटी के साथ जना ना किया तो मेरी उम्र भर की मेहनत से हासिल की गई सल्तनत चंद ही लम्हों में मेरे हाथ से चली जाएगी। अब जैसे ही वो शहजादी के बहुत करीब गया तो उस वक्त जमीन पर गिरा और वही मरकर ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद वजीर बच्चा को घसीटता हुआ बाहर तमाम रियाया के सामने ले आया और उनसे कहा कि अगर मैंने बादशाह की बेटी के साथ जिना करके गलत किया है तो मैं संसार होने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनने के बाद रियाया उससे बड़ी मुतासिर हुई। जो बादशाह इतने सालों से लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहा तो उसका अंजाम वजीर ने दिखा दिया। इसके बाद फिर बादशाह की बेटी की शादी इस वजीर से कर दी गई और फिर इसके बाद वजीर को नया बादशाह मुकर्रर कर दिया गया।